केजरीवाल सरकार को बजट बनाने की बारीकियां बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा सिखाएंगे, ये कहना है दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल इस बात से इनकार कर रहे हैं। केजरीवाल के विधायक अगर दिल्ली का बजट तैयार करने में बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा की मदद लें तो लोगों का हैरान होना लाजमी है। लेकिन ऐसा क्यों है ये समझने से पहले जरा दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को सुनिए। मैं इसमें सीधी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ, यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री रहे भारत सरकार के, और किसी से कुछ भी सीखने को मिलता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं, वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है या किसका है। इनको इसलिए बुलाए, वो अच्छे वित्त मंत्री रहे हैं और उनको गहरा अनुभव है इस चीज का। हमारे सभी विधायक नए हैं, बजट कैसे बनता है, बजट के हेड्स क्या होते हैं, डेफिसिट क्या होता है, इन सब चीजों को बारीकी से वो विधायकों को ट्रेनिंग दे सके। सहमति मिल गई, यशवंत सिन्हा जी तैयार हो गए? हाँ बिल्कुल, यशवंत जी से सहमति मिल गई। दरअसल 28 मार्च को दिल्ली सरकार का बजट पेश होना है, उससे पहले सिन्हा 15 मार्च को दिल्ली के विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जहां वो विधायकों को बजट तैयार करने से जुड़ी बारीकियां बताएंगे। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल भले ही ये बात खुलकर स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल इससे इनकार कर रहे हैं। जो यशवंत सिन्हा को आप लोग अप्रोच करें, यशवंत सिन्हा जी दिल्ली के बजट में हम लोग तो नहीं, दिल्ली के बजट में यशवंत सिन्हा हेल्प कर रहे हैं। हमारा ही है सर, बताओ दूर दूर का कुछ नहीं है, मैं आ रही नहीं। अब केजरीवाल कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका मिल गया। हमने हमेशा कहा है कि मोदी जी बड़े केजरीवाल हैं और केजरीवाल साहब छोटे मोदी हैं, तो इन दोनों में एक तरह से सुझावों का आदान प्रदान भाजपा वालों से होता रहा है केजरीवाल जी का, ये कोई नई बात नहीं लगती। यशवंत सिन्हा की बात करें तो फिलहाल वो बीजेपी में साइडलाइन चल रहे हैं। पिछले दिनों वो मोदी सरकार की कई नीतियों पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्हें बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में भी जगह नहीं मिली है, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में अगर वो केजरीवाल के विधायकों का मार्गदर्शन करें तो उसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हैरानी इस बात पर है कि केजरीवाल ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं है। अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज़।